अभी सुबह सुबह मैं गाड़ी धो रही हूँ, गाड़ी को धो के साफ करेंगे और उसके बाद में आज कहीं जाके आएंगे, कल जाएंगे हम वापिस। अभी जो मम्मी गाड़ी धो रही है इसलिए क्योंकि हम गांव जा रहे हैं, कल भी गाड़ी धोई थी आज भी गाड़ी धो रही है। अभी मुझे और मदद करने के लिए मन कर रहा है। खाया बस इतना ही। फूल तोड़ ले है भगवान जी के चढ़ाने के लिए। ये हमारे घर पे गुलाब का पौधा है तो इसके खूब सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। हेलो दोस्तों, राम राम, स्वागत है आपका एक बार फिर से शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम सुबह सुबह फूल तोड़ के लेके आए हैं। इनकी एक एक पत्तियां बिखेर रही है, इनकी पत्तियां एक एक खोल रही है, खोल के और ये कचरा साइड में कर रहे है और ये पत्ती खोल रहे है। बिबिलोना किए है तो घी निकाल रही है, रात को जो क्रीम निकाल रहे थे उसी क्रीम का बिलोना किया है। ये लाइट वाली मशीन है, इससे किया है। अभी हमारे गांव के पास में एक मंदिर है, वहां पे दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये चूर्ण और प्रसाद ले लिया, ये सिया अभी लेके आई थी दुकान से प्रसाद। मैं सिया और शिवन्य हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। नानी और जा रही है, नानी भी जा रही है साथ। नानी तो 10 रुपया का एक थोड़ा सा प्रसाद लिया था। अभी हम जा रहे हैं, गांव से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मंदिर में आ गए दर्शन करने के लिए। आए चाड़ दे, अभी वहां चाड़ दे, चाड़ दे, हाथ जोड़, हाथ जोड़, यहां जोड़, यहां जोड़, यहां जोड़, यहां मारो, ये महाराज, ये हाथ जोड़ दे, अच्छे तो ही चाड़ दे, आज कुछ डाल दे। कीड़िया खातर, चिड़कलियां खातरी तो है। ये हम घर से चूर्ण लेके आए थे पक्षियों के लिए, तो चूर्ण बरसा रहे। गांव में मंदिरों में आते हैं ना तो खूब सारी पक्षियों के लिए चूर्ण लेके आते हैं मंदिर में। ये हमारे गांव के पास में खेतों में मंदिर है, मतलब पहले के टाइम में जो ग्वाल बाल थे ना उन्होंने बनाया था, छोटा सा मंदिर था, लेकिन यहाँ पे आस्था बहुत ज़्यादा है सब गांव वालों की। ये मेरे पीछे सबसे पहले बनाया था, ये छोटा सा मंदिर है, पहले यहाँ पे धोख लगती है, उसके बाद में ये बड़ा मंदिर बनाया है, इसके अंदर धोख लगती है। तो बालकों ने बनाया था तो हम इसको बालकिया वाला जी बोलते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए शाम के टाइम में ही आते हैं, अभी भी शाम का टाइम ही है। आ जाओ सिया और माँ, अभी वापस घर पे जाएंगे। और गाड़ी चलाना सीख लिया तो ये अच्छी बात है कि हम अपनी इच्छा से कभी भी लेके दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, कि कहीं नोरा को निकालना पड़े। मंदिर जाके आ गए और अभी गायों का दूध निकालेंगे। और आज हम वापस जाएंगे ससुराल, तो अभी तैयार हो गए। अभी हम गांव से सरदार शहर जा रहे हैं और शिवन्या को नींद आ गई, शिवन्या सो रही है। गांव से सरदार शहर तक हम अकेले जाएंगे, उसके बाद में आगे सिया के पापा आएंगे, वो हमें लेके जाएंगे आगे। अभी हम वापस आ गए, मतलब सरदार शहर पहुंच गए और सिया के पापा भी आ गए। तो अभी थोड़ा बहुत मतलब सरदार शहर के मार्केट में जाना है, सिया शिवन्या के लिए कपड़े लेने हैं,
क्योंकि हमारे गांव में मिलते नहीं है, तो माँ ने पैसे दिए थे कि भाई जाते टाइम सरदार शहर से लेके जाना। अभी सिया और शून्या दोनों की ड्रेस ले ली और दोनों को पहना ली, क्योंकि गांव में मिलती तो है लेकिन गांव वाली हमें पसंद नहीं आती है। तो अभी जाते जाते माँ ने बोला था कि ले लेना और लेके पहना के लेके जाना। अभी सरदार शहर से निकल रहे हैं, थोड़े फ्रूट वगैरह भी ले लिए और आज उपवास भी है आज चौथ का, तो अभी जाके कहानी सुनेंगे। गांव से आ गए और उसके बाद में कहानी सुनने के लिए आ गए बामणी दादी के घर पे। बामणी दादी कराई कौन जिमण गेड़ी है खटी। हम रोली मोली टिक्का करेंगे, इतने में आ जाएंगे फिर कहानी सुनेंगे। एक दो तीन चार काम वालो। नहीं और एक भी था बेड़ा थोड़े नी मन तो था एक भी था मन देती मारे को है नी मारे को डेट देती थोड़ा थोड़ा बाकी थी कहते ना छू आइए बलूट दिखे छोट की और आशोत माता का आशोत माता सुख मोकले कमाई दे सुख शांति राखे भाई सुख शांति राखे मैं आशोत माता मैं किरोगी है निरोगी राखे माता का फेकल से डाल दियो हमार का भी था के एक बेटो हो जिया ये महाराज आस करा ले तो आस दे महाराज आस माता है कभी था मैं तो आस कराया तब भी एक मारे पोतो हो जावे। अरे थाके ले ले आ जी साहब सूर्य देव तो पहने एक लोटा जड़ू की कोनी और देखे जलम देखी कोनी नहीं मथुरा ना अब आशीष धाम देशिया